नमस्कार न्यूज आज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीप्ति भट्टागर। बीजेपी विधायक बहादुर सिंह 50,000 रुपए महीना लेकर सट्टा चलवाते थे। सट्टा खिलाना बंद हो चुका है, लेकिन विधायक बहादुर सिंह 77 लाख देने का दबाव बना रहे हैं। पैसे ना देने पर उन्होंने झूठे प्रकरण में सबको फंसाने की धमकी दी है। उज्जैन में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये आरोप लगाए हैं झारखंड गाँव के रहने वाले जैन परिवार ने। जैन परिवार की महिलाओं के मुताबिक 5 साल पहले सट्टे का कारोबार बंद कर उन्होंने सीमेंट और सरिये का व्यापार शुरू किया है, लेकिन अब विधायक बहादुर सिंह उन पर लाखों रुपए देने का दबाव बना रहे हैं। विधायक ने राजनीतिक दबाव बनाकर उनके ससुर को जिला बदर कर दिया और उनके पतियों के खिलाफ 110 का झूठा मामला भी दर्ज कर दिया। पतियों की जमानत के लिए पूरा परिवार रोज SDM कार्यालय जाता है, लेकिन विधायक के दबाव में अधिकारी उन्हें जमानत नहीं दे रहे। उन्होंने ये परेशान किया कि वो हमारे पति पर झूठे झूठे केस बनवा रहा है, जबकि मेरे पति यहाँ नहीं होते हुए भी वो पुलिस किसी भी आदमी को घर से उठवा लेता है और थाने में जाके पेश कर देता है और उनसे उनको मारपीट करवा के मेरे पति के खिलाफ झूठा केस बनवाता है। और जो कि मेधपुर वो पृथ्वी सिंह खल्लाटे है ना, वो हमारे पति पर 110 का केस बना दिया और उनके जिला बदल ये उनकी जमानत भी नहीं लेने दे रहा सर। दो दिन से इधर उधर घुमा रहे कि आज जमानत लेंगे कल लेंगे, लेकिन हमारी जमानत भी नहीं ले रहे। उज्जैन से सुदर्शन सोनी की रिपोर्ट न्यूज आज। फिलहाल के लिए इतना ही, बने रहिए मेरे साथ, देखते रहिए न्यूज आज।